ये देखिए न्यूज़ कास्टिंग वाली दीदी एक, लेकिन उनके साथ बैठने वाले भैया अनेक। एक ही न्यूज़ बताने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग जानवरों को क्यों बैठाया गया है। ये देखिए पोकेमॉन, देखते ही स्कूल से घर आना और टीवी पर पोकेमॉन लगाकर बैठ जाना। बट आई बेट आप ये सीन भूल गए होंगे जिसमें एस ब्रोक और मिस्टी के साथ ओनिगिरी यानी कि जापानीज राइस बॉल खा रहा होता है। लेकिन इंडिया में इस ओनिगिरी को कुछ और ही बना डाला है, पर इसे क्या और क्यों बनाया गया है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये देखिए इस गड़बड़ के बारे में, दोनों सिम में नोबिता एक, पापा एक, मम्मी एक और डोरेमोन भी एक, पर एक जगह पर चॉपस्टिक और एक जगह पर चमचा कैसे बदल गया? अगर ये सवाल आपको भी सता रहा है तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्टून दैट लुक डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। नंबर वन, जापान की शान डोरेमोन। बचपन में डोरेमोन देखकर एक बार तो आपके दिल में भी ये ख्याल आया ही होगा कि काश आपके पास भी डोरेमोन होता, बट अफसोस ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ चीज पॉसिबल है, जैसे इन चॉपस्टिक का चम्मच बन जाना। और इसको देखकर अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये जादू है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जादू नहीं है, बल्कि ये है डोरेमोन क्रिएटर्स के दिमाग का कमाल, जिन्होंने जापान की आन बान शान और 2020 तक अपनी सभी फिल्मों से 12,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा कर देने वाली इस सीरीज की अमेरिकन वर्जन में चेंज की है। क्योंकि इन्हें टेंशन थी कि अगर अमेरिकन बच्चे जापानीज लाइफ को समझ नहीं पाएंगे और उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे तो शायद वो इस सीरीज को पसंद नहीं करेंगे। और बस फिर चॉपस्टिक बन गई चम्मच और जापानीज यूरिन बन गए डॉलर्स। यही नहीं, इसके अलावा ऐसे चेंजेस तो आपको पूरे सीरीज में देखने को मिलेंगे। नंबर टू, ये मूवी देखकर किस किस के आंखों से आंसू आए थे, पर आंखों से आंसू पोंछते पोंछते आई बैट आपने बज लाइटियर के स्पीड के दौरान बैकग्राउंड में चलते इस घूमते गोले और पीजीएम को मिस कर दिया होगा, जो वर्ल्ड वाइड पब्लिक के लिए स्पेशली मेड था ताकि एज पर मेकर्स वर्ल्ड वाइड ऑडियंस इससे रिलेट करे। इसलिए दुनिया में गोला और सिर्फ यूएस के लिए इन्होंने बस के पीछे यूएस का झंडा विद नेशनल एंथम म्यूजिक दे डाली। जितना बड़ा डिफरेंस ये था, उससे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि टॉय स्टोरी के टॉप टू कैरेक्टर्स वुडी और बज आज हमारे बीच ना होते। अगर जॉन लेजिस्टर के बचपन में उनके पास वुडी जैसा कैस्पर डॉल और बज जैसा जीआई जो डॉल ना होता, थैंक गॉड, वरना 1995 में शुरू हुई ये सीरीज 1996 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ना बनती। नंबर थ्री, लिखावट का कमाल। इमोशन को समझो, बातों में क्या रखा है, यही सोचकर मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी वालों ने इंग्लिश वर्जन में ये और दुनिया भर में ये सीन दिखाया था। पर दूसरी भाषाओं में बी माई पर्ल लिखने के लिए इनकी आइसिंग खत्म हो गई थी क्या? वेल नहीं, इनके पास आइसिंग तो बहुत थी, पर बी माई पर्ल को लिख पाने जितनी कपकेक इनकी प्लेट्स में नहीं थी। पर सबको ये तो दिखाना ही था कि कपकेक्स में लिखा क्या है, और इसीलिए इस सीन को बनाने वालों ने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाया और तभी उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना केक्स पर स्माइली बना डाले। एंड टर्न उन लोगों ने अपने इस क्रिएटिव आइडिया को अपने मूवी में डाल दिया और कई बार तो लोगों को चीजें आसानी से समझ आए, इसलिए मेकर शब्दों को सीन में या अपनी मूवी की तरह पिक्चर्स में बदल देते हैं। बट जहां इनके पास रास्ता होता है, ये डायरेक्ट अपनी मूवीज में दूसरे लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉय स्टोरी का रशियन नाम और जहां कहीं इंग्लिश दिखे वहां रशियन चिपकाने का काम। नंबर फोर, कार्स मूवी तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी फेवरेट है, लेकिन शायद ही कुछ लोग ये जानते होंगे कि इस मूवी में वर्ल्ड वाइड दिखाई गई पीली कार को स्पेन में नीली और चाइना में टमाटर की तरह लाल किया गया था। मतलब पैसे के लिए मेकर्स कुछ भी करेंगे। नंबर फाइव, पोकेमॉन। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि पोकेमॉन में दिखाए गए इस ओनिगिरी को इंडिया में कुछ और ही नाम से बुलाया जाता है, और वो नाम है जेली फिल्ड डोनट्स। वेल ये तो होना ही था, मतलब क्या, किस एंगल से देख कर इसे बच्चे डोनट्स मान लेंगे, मतलब बताना ही था तो कुछ और बोल देते। नंबर सिक्स, जुडोपिया मूवी में एक ही न्यूज देने के लिए इतने सारे जानवरों को चुना गया है, लेकिन क्यों? ऑब्वियसली पैसों के लिए, और जो पैसा फेंकेगा वो तमाशा देखेगा। जैसे मेकर्स ने अमेरिका, यूरोप और रसिया के ऑडियंस के लिए इन टीवी एंकर के बाजू में 100 लेपर्ड को बैठा दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए वो ज्यादा जाने माने जानवर थे। और जब यही मूवी रिलीज होने के लिए चाइना पहुंची, तो वहीं मेकर्स ने स्नो लेपर्ड को पांडा में बदल दिया। और क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि चाइना और पांडा का कितना
गहरा कनेक्शन है? वेल, आई थिंक नॉट। और जापान में सेम न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए देश के मोस्ट लवेबल तनुकी को एंकर बना दिया। और ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनकर सबको लगेगा कि शायद इन्होंने न्यूज पढ़ने के लिए कंगारू को ही बिठा दिया होगा, पर नहीं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाली जुडोपिया की मूवी में सेम एंकर के लिए क्यूटी कोआला से बदल दिया गया था। और ये सब देखकर हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आखिर ये लोग दुनिया के लिए कैरेक्टर्स बदल कर इंडिया को ही क्यों भूल जाते हैं? आखिर इंडिया के लिए भी तो एक डिफरेंट जानवर को अपॉइंट कर सकते थे। आप हमें ये जरूर बताएं कि आज के इस वीडियो में कौन से डिफरेंट कार्टून के रूप ने आपको हैरान किया। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।